हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू एंड आई होप यू विल बी फाइन। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। और आज मैं सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ विद यू। ओके, टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स, मेरिस्टम के प्रकार। मैंने बताया आपका देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स। नंबर फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टम्स, जिसके बारे में बता दूंगा आपको मैं, जो कि प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट, लेटर मेरिस्टम्स consist of initials which divide mainly in one plane and cause increase in diameter of an organ. Many plants are short-lived, but a large number of plants live for longer period and continue to grow to greater heights. Increase in height has to be accompanied by an increase in growth diameter, also in order to maintain in the stability as well as greater supply of food and nutrients। कहने करते हैं जो कि लेटर मेरिस्टम्स है, ये जो है प्लांट के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इसकी उपस्थिति के कारण ही प्लांट्स की जो स्टेम होती है उसके अंदर ग्रिथ, इट मीन्स डायमीटर का जो इंक्रीजिंग होती है वो इसी के कारण होती है, ठीक है। क्योंकि प्लांट को जो प्लांट काफ़ी प्लांट ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म में ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि लॉन्ग टाइम तक ग्रो करते रहते हैं। अब उनके लॉन्ग टाइम तक ग्रो करेंगे उनके लिए फूड, मिनरल्स एंड वाटर, ठीक है, ये भी प्रोवाइड होना चाहिए। तो इसके लिए जो स्टेम्स के थ्रू ये सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड की जाती हैं। इसके लिए क्या है कि जो स्टेम होती है उसका डायमीटर, ठीक है, ग्रोथ होती है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये जो लेटरल मेरिस्टम टिश्यू है ये प्लांट की ग्रोथ को, अपनी उसके डायमीटर को डेवलप करता है, ठीक है, उसको इंक्रीज करने का काम करता है। दिस इंक्रीज इन ग्रोथ इज अटेंड थ्रू द एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टम्स विच आर सिचुएटेड अलोंग द साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। ये स्टेम के साथ रूट में भी खुद करता है। आप देख सकते हैं कि किसी प्लांट को यदि उसके स्टेम से कट किया जाए तो उसके अंदर कुछ रिंग्स को देखा जाए, ठीक है, उसमें कुछ आपको जो रिंग होती है छल्ले बने होंगे, बले बनी होंगी, ठीक है। तो क्या वो बता रही हैं कि इसकी जो एज है वो इतनी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द रिंग, नंबर ऑफ रिंग। तो जो लेटर में स्टेम्स हैं वो उसके जो स्टेम के ग्रिथ है, उसके डायमीटर है, उसके ब्यास को बढ़ाने का काम करता है, उसकी मोटाई को बढ़ाने का काम करता है, उसको डेवलप करता है। दैट इज वास्कुलर कैम्बियम, ए रिंग ऑफ कैम्बियम दैट डेवलप पीरियडिकली, ठीक है। मैं बता चुका हूँ आपको कि जो रिंग होती है वो बताती है कैम्बियम की कि भाई जो डेवलप हो रहा है प्लांट वो कितना टाइम पुराना है। कॉर कैम्बियम विच गिव राइज टू बार्क एंड मार्जिनल मेरिस्टम्स ऑफ सम लीव्स, ठीक है। यह आप देख सकते हैं लोकेशन ऑफ मेरिस्टम्स टिश्यू इन प्लांट बॉडी, ठीक है। जो हाइट होती है एपिकल मेरिस्टम्स इंटरकॉलम मीडियम, ये आप देख सकते हैं, ये इंटरमोड होता है, ये लीफ होती है, ये नोड है, और ये इंटरकाली मेरिस्टम्स है, और ये लेटर मेरिस्टम्स है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एपिकल, लेटरल, ठीक है, ठीक है।
तो यहाँ आपके सिलेबस में केवल दो इम्पोर्टेंट हैं, एक तो एपिकल है, एक लेटर है, ठीक है। इंटरकाल के बारे में आगे बताया जाएगा आपको, सॉरी ये दोनों हो चुके आपके। अब थर्ड पॉइंट आता है इंटरकालीन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इंटरकालीन रेजिस्टेंस इज लोकेटेड इन द बिटवीन, इंटरकालीन रेजिस्टेंस इज लोकेटेड इन द इन बिटवीन द रीजन ऑफ परमानेंट टिश्यू दैट इज द वेस्ट ऑफ द ग्रास लीव्स ऑफ एबव एंड ब्लो द नोड। सच मेजिस्टेंस आर फाउंड इन दोज प्लांट हुज एपिकल मेजिस्टेंस आर लॉस्ट फ्रीक्वेंटली, दैट इज व्हेन ग्रासेस एंड आर ईटन बाय द ग्रेजर्स देयर एपिकल मेजिस्टेंस आर लॉस्ट फ्रीक्वेंटली इन सच केस दीज प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो विद द हेल्प ऑफ इंटरकाली मेजिस्टेंस। ओके देख सकते हैं, जो कोई नोड होती है वहाँ पर पाया जाता है, और नोड से क्या होता है कि उस प्लांट के अंदर एक नया पौधा जन्म सकता है, जो ब्रांच जो होते हैं नोड से तैयार होती हैं, ठीक है। चलिए अब मैं देखा कंपेरिजन ऑफ, यहाँ आप देख सकते हैं द कंपेरिजन ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ मेजिस्टेम्स, तीनों प्रकार के मेजिस्टेम्स की तुलना की गई है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, लेटर एपिकल मेजिस्टेम, इंटरकाली मेजिस्टेम एंड लेटर। देखिए ये होता है लोकेटेड इन द रूट एंड शूट, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, रूट एंड शूट में, ठीक है, एपिकल श्रेपर और अंत में, ओके ठीक। इंटरकाली मेजिस्टेम बिटवीन सेगमेंट ऑफ परमानेंट टिश्यू, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, सेगमेंट से खंड पर। एंड लेटर मेजिस्टेम सिचुएटेड अलोंग द साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट, यूजली इन डाइकोट प्लांट, ये दो बीजपत्री पौधा मोस्टली पाया था, ठीक है, उनके रूट से। एंड सेकेंड पॉइंट, देयर एक्टिविटी लीड टू द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट, इंटरकाली देयर एक्टिविटी लीड टू द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रीजन ऑफ अदर देन टिप्स, एंड देयर एक्टिविटी लीड्स टू इंक्रीज इन डायमीटर, लेटर क्या करता है डायमीटर बढ़ाता है, ये इंक्रीज द लेंथ, और जो इंटरकाली होता है ये उसकी लेंथ को, ठीक है, ये क्या करता है देयर एक्टिविटी लीड्स टू इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ प्लांट, ये भी उसकी लेंथ बढ़ाता है और ये भी उसकी लेंथ बढ़ाता है, ठीक है, एंड ये उसके डायमीटर को डेवलप करता है, ठीक है। और स्ट्रेंथ्स थोड़ा सा देखें जरा, परमानेंट टिश्यू परमानेंट टिश्यू आर मेड ऑफ सेल्स, परमानेंट टिश्यू सेल से बना होता है विच हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन ऑफ अंडरगोन सफिशियंट मॉडिफिकेशन डिफरेंटिएशन टू द कैरीज आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस का सेल्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। चलो प्रोसेस डिफाइन शेप मे बी लिव लिविंग और डेड, मे बी थिन और थिक वॉल्ड एंड आर लार्ज हैविंग, ठीक है, बैकुलर साइटोप्लाज्म, मोस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इज मेड ऑफ परमानेंट टिश्यू विच आर फर्दर क्लासिफिकेशन इन टू द फॉलोइंग टाइप। बस ये समझ लीजिए कि ज़्यादातर पेड़ पौधों के अंदर जो बॉडी होती है वो परमानेंट टिश्यू से ही बनी होती है, ठीक है। इसके बारे में देर आर टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंपल होते हैं एंड तो स्टूडेंट्स देर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ओके। तो मैं कल आपको पढ़ाऊंगा अबाउट द सिंपल टिश्यू इन पेरेंकाइमा, ठीक है, ओके, एट लास्ट, ओके, बाय, सी यू, टेक केयर।